बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम डियर फ्रेंड, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। डियर फ्रेंड, फ्लाई दुबई की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी हो चुकी है कि हम बग़ैर अप्रूवल के लोगों को लेके जा रहे हैं, लेकिन कौन से लोगों को लेके जा रहे हैं, कितने माह वाले, 6 माह वालों का बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर, हमें 6 माह हो गए, 6 माह से ज़्यादा हो गए, कोई कहता है हमें 6 माह से कम हो गए। तमाम तर कंडीशन उनके सामने रखने वाले हैं कि 6 माह आपको कैसे ज़्यादा हो गए हैं, 6 माह कैसे आपको कम है, और कैसे वीज़ा एक्टिव है, और कैसे आप जा सकते हैं। ये हम आपको अब ऑफिशियल वेबसाइट पर उनकी लेके जाएंगे। तो जो दोस्त चैनल पर नए आ रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। अब आपने वीडियो को पूरा गौर से देखना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक चीज़ आपके सामने लेकर आएँ, और ताकि जो कोई आपके चीज़ काम आ सके। तो आपने इस वेबसाइट पर आने के बाद इस लिंक को जो है कॉपी करना है, क्रोम कर लें या न्यू वेबसाइट न्यू टैब में पेस्ट करके इसे ओपन कर लें। ठीक है, अभी ये लिंक ओपन हो चुका है, जबकि देख सकते हैं ये फ्लाई दुबई का ऑफिशियल पेज है, फ्लाई दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा सा स्क्रॉल आप डाउन करेंगे तो यहाँ प्रोसीजर फॉर दुबई रेजिडेंट ट्रैवलिंग अबार्ड, यानी दुबई से जो लोग अबार्ड यूरोप वगैरह जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा नीचे आने के बाद हमें जो ये अपनी काम की चीज़ देखनी है, प्रोसीजर फॉर दुबई रेजिडेंट रिटर्निंग टू दुबई बिफोर बुकिंग योर फ्लाइट। जी, दुबई रेजिडेंट रिटर्निंग टू दुबई, ठीक है, हमने दुबई जो है वापस आना है, यानी अरब अमारात वापस आना है। इफ़ यू आर यू रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर बिफोर 1 मार्च 2020, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द UAE, यू मस्ट अप्लाई फॉर ए न्यू वीज़ा। अब आप यहाँ पर गौर कर लें, 1 मार्च से पहले अगर आपका जो वीज़ा है वो अगर एक्सपायर है तो आप UAE नहीं एंटर। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप शायद गौर नहीं करते हैं और बार बार आपके सवालात आते हैं, तो हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको जवाब दे। अगर जवाब दे नहीं पाती तो उसके लिए माजरत खाएं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे सवालात आ रहे होते हैं और उनके जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। हमारी टीम कोशिश कर रही है कि व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप भी बनाया जाए। बहरहाल इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख लें जी खुद, आप ये आप फ्लाई दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट पे खड़े हैं, कोई हम अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहे, ठीक है। तो अब आप अपना वीज़ा चेक करें कि आपका वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुआ है या बाद में हो रहा है। आप दूसरी हेडिंग पढ़ लें, इफ़ यू आर यू ए रेजिडेंस वीज़ा एक्सपायर आफ्टर 1 मार्च 2020, यू विल बी अलाउड टू एंटर UAE अनटिल 31 दिसंबर 2020, यू विल नीड टू हैव योर वीज़ा वैलिडेट विद इन 30 डेज ऑफ एंट्री। ठीक है, ये कह रहे हैं अगर आपका UAE का वीज़ा 1 मार्च 2020 को एक्सपायर हुआ है, ठीक है, यानी इस बाद एक्सपायर हुआ है, तो आप UAE के लिए एलिजिबल हैं और 31 दिसंबर तक आपकी जो वैलिडिटी है होनी चाहिए, यानी आपके वीज़े की, ये देख सकते हैं, यू विल नीड टू यूर हैव वीज़ा वैलिडिटी विद इन 30 डेज ऑफ एंट्री, 30 दिन के अंदर जो है आपकी एंट्री हो जाएगी, यानी 31 दिसंबर तक आपका वीज़े की डेट होनी चाहिए। इफ़ यू होल्ड ए UAE रेजिडेंट वीज़ा होल्ड हैव स्टे आउटसाइड ऑफ UAE एंट्री फॉर मोर देन 180 डेज, यू विल बी अलाउड टू द एंटर UAE। अगर आप UAE से बाहर हैं और 180 दिन हो गए हैं तब भी आपको वही बात ऊपर वाली ये नीचे कर रहे हैं। आप नीचे देख लें जी, मेक श्योर यू कैन ऑब्टेन नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट रिजल्ट इशू द कंट्री फ्रॉम विच यू आर रिटर्निंग, यू मस्ट बी एबल टू प्रेजेंट ए प्रिंटेड कॉपी फॉर यूर नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट रिजल्ट ऑफ इन इंग्लिश आर अरेबिक अटैक आर चेक इन टू एक्सेप्टेड फॉर ट्रैवल, सॉफ्ट कॉपी ऑन मोबाइल फ़ोन विल नॉट बी अलाउड। ये अब तमाम तर रिक्वायरमेंट्स आपने खुद रीड करनी है। ये कह रहे हैं कोविड-19 का PCR टेस्ट जो है आपने कराना है, जो कि आप वापस आ रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें वही हैं जो हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो तमाम तर कंडीशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, अगर मज़ीद कुछ यहाँ पर पढ़ना चाहें तो भी सब कुछ इन्होंने दे रखा है। जो सवाल आप हमसे कर रहे थे, आपके सारे सवालों के जवाब इन्होंने इतने बड़े पैराग्राफ पे दे दिए हैं। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट, असल में तो हमने ये स्टेटमेंट आपके सामने शो करनी थी, जो हमें दोस्त मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारा वीज़ा फलां डेट को एक्सपायर है फलां, तो फिर मैं उनको बताता चलूँ, इफ़ यू आर UAE रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर बिफोर, अगर आपका UAE का वीज़ा 1 मार्च 2020 से पहले एक्सपायर हो गया है तो आप इंटर नहीं हो सकते UAE। इफ़ यू आर रेजिडेंट वीज़ा एक्सपायर आफ्टर 1 मार्च 2020, ठीक है, यू विल बी अलाउड, यानी अगर आपका वीज़ा 1 मार्च के बाद एक्सपायर होगा 31 दिसंबर तक,
ठीक है, उन्होंने 31 दिसंबर भी दे दिया। अगर 31 दिसंबर तक आप एलिजिबल हैं तो आप यूएई ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्लाई दुबई जी बग़ैर अप्रूवल के आपको इन शरायत पे लेके जा रही है जो हम आपके साथ शेयर की हैं। तो अब आपने क्या करना है, तो आपने अपनी टर्म एंड कंडीशन देखनी है कि क्या आप इन टर्म एंड कंडीशन पर पूरा उतरते हैं। तो पूरा उतरते हैं तो अल्लाह का नाम लेकर आप फ्लाई दुबई का टिकट लें और ट्रैवल कर जाएँ। अगर हमसे टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। और किसी भी किस्म की मालूमात हो कमेंट में कर सकते हैं। और हम सोच रहे हैं कि फेसबुक ग्रुप बनाया जाए या व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, हमारी टीम इस पर लगी हुई है कि कौन सा ग्रुप जो है बनाया जाए। तो इंशाल्लाह इस पर भी एक जल्द एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपसे वोट लेंगे और आपसे ही मशवरा लेंगे कि आप बताएंगे कि सर मतलब व्हाट्सअप ग्रुप ज़्यादा बेहतर है या फेसबुक ग्रुप। बहरहाल इस स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना है जो आपके सामने आए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें शाहिद इकबाल यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान शाहिद इकबाल को। अल्लाह हाफिज़।